सो आप लोगों ने देखा कि यश यहाँ पे पूजा कर रही थी, ये मॉर्निंग का टाइम है और अब मैं लेने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैं सबसे चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। तो आप समझ गए होंगे, हरा धनिया टमाटर मिर्ची देगी कि मैं यहाँ पे सबसे पहले चटनी तैयार करने जा रही हूँ और ये चटनी बहुत ही यम लगती है। और यहाँ पे मैंने धनिया था, धनिया का पत्ता, इसको धुल के अच्छे से धुलने के बाद में इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सर जार में रख दूँगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब मैं इसके बाद यूज़ करने जा रही हूँ, एक टमाटर लूँगी, इस मीडियम साइज़ का टमाटर एक लेना है, बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना है, बस मीडियम साइज़ का लेना है। और मैं 2 मिर्ची डाल रही हूँ, ग्रीन वाले, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा कम कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो इसके बाद में ये जो है, ये जो आम का अचार होता है ना, आम के अचार मैंने 2 यहाँ पर डाल दिए हैं। और इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, और आप नमक, ब्लैक नमक भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद में मैं इसमें अब डालने जा रही हूँ, ये विनेगर है तो थोड़ा सा विनेगर डाल दूँगी, इससे थोड़ा सा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही यमी चटनी रेडी होती है ये। और इसके बाद में मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूँगी, ये आपके आपका टेस्ट, अगर आपको लगता है कि मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, मस्टर्ड ऑयल के साथ ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और अब मैं यहाँ पे बस जल्दी जल्दी फटाफट, पूरा अच्छे से नहीं पीसना है इसको, एक बार थोड़ा सा चला के फिर बंद कर देना है, जैसा आप देख रहे हो, फिर थोड़ा सा चला के बंद कर देना है, फिर थोड़ा सा चला के बंद कर देना है, सो दैट हल्की सी पिस जाए अच्छे से, बहुत ज़्यादा नहीं पिसनी चाहिए। और बस थोड़ी ही देर में मेरी चटनी यहाँ पर रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हो, इस टाइप का टेक्स्चर आता है, यम्मी, और चटनी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे चटनी के बाद अब हम आते हैं मेन, जो मेरा ब्रेकफास्ट है मेन, उस पे। और यहाँ पे मैंने, आप देख, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज कट किया है, टमाटर कट किया है, और मिर्ची मैंने कट की है। अगेन मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और थोड़ा सा मैंने धनिया पत्ता लिया है, और ये रहा बेसन, बेसन लूँगी मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 3 लोगों के हिसाब से बनाया था, तो 4-5 स्पून बेसन लूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। और बस बेसन के बाद अब मैं यहाँ अप्लाई करने जा रही हूँ सूजी, जिसे बोलते हैं रवा भी बोलते हैं, बेसन ही देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सूजी भी मैं बिल्कुल जैसा मैंने बेसन की क्वांटिटी ली थी, सेम क्वांटिटी में रखूँगी, ताकि हमारा जो बेस अच्छे से, बहुत ही क्रंची और बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डाल दूँगी, हल्दी डालने के बाद में मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक, डालना है थोड़ा सा, तो नमक भी आप अपने श्रद्धा के अनुसार, कम ज़्यादा, जैसा भी आप खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो यहाँ पे। और बस अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद में इसमें मैं पानी डाल दूँगी, पानी डालने के बाद में इसको अच्छे से चलाना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और थोड़ा पतला ही इसका बैटर रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद में मैंने ब्रेड लिया, ब्रेड को हाफ कट किया, हाफ कट करने के बाद में इसमें डिप करना है, इस तरीके से डिप करने के बाद में अब मैं इसे तवे पे अच्छे से सेक लूँगी, इस तरीके से तवे पे ऐसे डाल के इसको सेक लेना है। और ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा लगता है और फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है। और आप इसे चाहो तो, जैसा मैंने आपको बताया चटनी मैंने जो बनाया, आप उस चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो, या तो आप सॉस के साथ कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके साथ इसे खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा, प्लस साथ में चाय कॉफ़ी तो बनती ही है। तो मैंने कहीं कहीं पर हाफ ब्रेड किया था, और फिर इसके बाद में मैंने क्या किया था, फुल ब्रेड लेके इसको अच्छे से डिप करके फिर इसे तवे पे सेका था, तो
आप दोनों जैसा भी आपको पसंद हो आप कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। A few moments later. बहुत ही गंदा लग रहा हूँ। हाय एवरीवन, सो कैसे हो आप सब लोग? हाय एवरीवन, सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो होली का टाइम बहुत जल्दी पास आने वाला है, बहुत जल्दी, हाँ होली का टाइम आने वाला है, होली आने वाली है, और उसके लिए थोड़ा जो भी शॉपिंग वगैरह करना था तो मार्केट चल रहे हैं, और हाँ मार्केट जाने वाले हैं, तो बस अभी मैं रेडी हूँ और कोम्ब करना है। कोम्ब करने का कभी कभी सीरियसली मन नहीं करता, और आईब्रोज मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो देखती हूँ आज अपनी आईब्रोज बनवाऊंगी या नहीं, पता नहीं, सब अजीब सा बोल रही हूँ मैं, बट एनीवेज चलते हैं मार्केट। यहाँ पे हम दोनों रेडी हो गए हैं। तो वो बैठी है ऐसे क्यों, क्या हो गया, क्या हुआ, बोलो कुछ जल्दी बोलो, क्या हुआ, ओह माय गॉड क्या हो गया, चलो चले, शूज का है, बाहर है, बाहर रखे हैं शूज, ओके क्या करना है, दो पटे शाना। चाहिए, चलो आपकी ड्रेस तो दिला दी, आप क्या चाहिए, अबू गोलगप्पे, आइसक्रीम, कैसे भैया, गोपाल जी का है, ठंडा ही है, हम लोग जस्ट अभी घर आए हैं और सारा सामान यहाँ पे रख दिया है, यशी की ड्रेस हो गई, सब कुछ हो गया है, और ड्रेस हम अभी नहीं दिखाएंगे, वो यशी होली पे पहनेगी, है ना यशी, क्या हो गया आपको, गोलगप्पे भी खिला दिया, आइसक्रीम भी खिला दी, और क्या था, जूस भी पिला दिया, अब क्या होगा, जूस नहीं पिया आपने, फ्रूटी नहीं पिया था, तो अब क्यों मुंह बना लिया, तो गाइस मैं करती हूँ इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड, मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।